बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस तरह बच्चों हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इम्पोर्टेंस थी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में या एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर रही थी या नहीं कर रही थी। उन एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने दो प्लांट्स लिए थे, एक को हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी, दूसरे को दी थी। बाकी सारे जो फैक्टर्स थे वो सेम थे, सिर्फ एक को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी, दूसरे को प्रोवाइड की थी एज अ कंट्रोल। उसके बाद हमने देखा था कि एक में ग्लूकोज प्रोड्यूस हुई, दूसरे में नहीं हुई। अब ग्लूकोज कैसे आपने टेस्ट की स्टार्च की उसमें, तो हम लोगों ने उसके लिए स्टार्च टेस्ट देखा था। वो हम लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट पिछले वीडियो में कर लिया था, जो आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं ताकि रिव्यू हो जाए। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम देखेंगे क्या लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले वही जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि आपका प्लांट वेल वाटर्ड होना चाहिए, आपका प्लांट डी स्टार्च होना चाहिए। डी स्टार्च कैसे होता है हम लोगों ने पीछे देखा था। एंड पॉटेड प्लांट होना चाहिए। पॉटेड से ये होता है बच्चे कि पोर्टेबल होता है, आपके लिए आसानी से यूज हो सकता है, बजाय इसके कि किसी आपकी लॉन में या फिर कहीं और जगह पर प्लांटेड हो। तो वेल वाटर्ड डी स्टार्च एंड पॉटेड प्लांट हम लोगों ने वो लेके रख दिया। अब हम लोगों ने देखना है कि लाइट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब थोड़ा सा ना आप लोग खुद भी कोशिश किया करो कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्डअप करने के दिमाग में सोचो, अगर लाइट की आपने इंपॉर्टेंस देखनी है तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हम क्या करेंगे, एक जगह पे लाइट प्रोवाइड करेंगे, एक जगह पे लाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वो कैसे होगा, मतलब आप लाइट प्रोवाइड बेशक ना करो, कहीं ना कहीं से तो लाइट आएगी। तो हम एक्चुअली ये करेंगे कि जब हम एक प्लांट को लेंगे तो प्लांट के लीव्स के कुछ पार्ट जो है उनको हम किसी ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। जब आप ब्लैक पेपर से कवर कर दोगे तो यहाँ पे लाइट रीच नहीं कर सकेगी, जबकि लीफ का बाकी जो पार्ट है वो लाइट पे एक्सपोज होगा। तो इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि जो पार्ट हमारा लाइट पे एक्सपोज नहीं था उसके अंदर क्या स्टार्च बनी है या नहीं बनी, और जो लाइट पे पार्ट एक्सपोज था तो क्या उसमें बनी है या नहीं बनी। तो हम लोगों ने वही पॉटेड प्लांट लिया, डी स्टार्च शुरू में किया, इसे वेल वाटर्ड रखा, इसे फिर कुछ लीव्स को, इसके हाफ ऑफ देम, उनको हम लोगों ने हाफ जो था उनकी बॉडी को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, जबकि हाफ बॉडी जो थी वो एक्सपोज थी। सनलाइट इसको हम लोगों ने फॉर 8 आवर्स प्रोवाइड की। अब हम जब इस लीफ को 8 आवर्स बाद लेंगे तो आप लोग क्या देखोगे कि जो पार्ट जिन पे ब्लैक कवर नहीं था वहां पे सनलाइट जो थी वो रीच कर पा रही थी, लेकिन वो पार्ट जिसको आप लोगों ने ब्लैक स्ट्रिप से कवर किया हुआ था वहां पे लाइट रीच नहीं कर पा रही थी। तो आप लोग मुझे खुद थोड़ा वीडियो भी पहले पॉज करें, वीडियो लाजमी पॉज किया करें ताकि आप लोग खुद भी बाय हार्ट इस चीज को लर्न किया करो। तो अब आप लोग पॉज करके ये सोचो कि इस पार्ट में स्टार्च प्रोड्यूस होगी जो स्ट्रिप वाला था या बगैर स्ट्रिप वाले में प्रोड्यूस होगी, अगर मैं इस पर स्टार्च टेस्ट करूं, ठीक है। स्टार्च टेस्ट वही जो हम लोगों ने पीछे देखा था, अब उसकी डिटेल्स हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं बच्चे कि जो पार्ट कवर्ड था ब्लैक स्ट्रिप से, यानी द पार्ट कवर्ड, उस पर सनलाइट नहीं पहुंच रही थी, और जब सनलाइट नहीं पहुंच रही थी तो जो आपने स्टार्च उस पर डाला इट विल शो अ ब्राउन कलर। आप लोगों ने जब स्टार्च सॉरी उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला तो वो ब्राउन कलर शो कर रहा था। ब्राउन कलर कब शो करता है आयोडीन, जब कोई स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होती या प्रेजेंट नहीं होती। सो द पार्ट कवर्ड विल शो अ ब्राउन कलर एज नो स्टार्च इज फॉर्म। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लाइट नहीं रीच कर रही थी, जबकि जो विदाउट कवरिंग था इट विल शो अ ब्लू ब्लैक कलर। व्हाई ब्लू ब्लैक कलर, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज फॉर्म। तो इससे ये बात हमारी प्रूव हो गई कि जब लाइट रीच करेगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी, जब लाइट रीच नहीं करेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग गया कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट बच्चे आपके एमसीक्यूज में काफ़ी बार आ चुके हैं, एटीपी में ये हालांकि नहीं आया लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। दूसरा थ्योरी में इस पर 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि क्यों हम लोगों ने इसको कवर किया, या हम लोगों ने क्यों इसको डिस्टार्ज किया, या क्यों हमें यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नजर आया, या यहाँ पे हमें क्यों ब्राउन कलर नजर आया। तो वो सारे रीजंस हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिए, तो आप लोग इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके रिव्यू कर सकते हो। तो लाइट का यही एक्सपेरिमेंट था, ये सिंपल था। अब हम आते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जो कि लास्ट एक्सपेरिमेंट है फॉर फैक्टर्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इज एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल
इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देखेंगे क्लोरोफिल वेदर इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है, ठीक है। तो अब वही शुरू में के वेल वाटर्ड डी स्टार्च, लेकिन दिस टाइम अ वेरीगेटेड पॉटेड प्लांट। वेरीगेटेड का मतलब क्या है ये थोड़ा देखते हैं। अब बच्चा अगर आप लोगों ने थोड़ा कभी गौर किया हो तो कुछ लीव्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते कम्प्लीटली। आप लोगों ने देखा होगा कि वो या तो सेंटर से ग्रीन होते हैं, साइड से वाइट होते हैं, या सेंटर से वाइट होते हैं, साइड से ग्रीन होते हैं, या उसके ऊपर ग्रीन और वाइट के पैचेस लगे होते हैं। तो ऐसा कोई प्लांट जिसके ऊपर वाइट या ग्रीन के पैचेस लगे हैं यानी उसका कलर वेरी कर रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में जिसमें आपने क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस देखनी है, उसमें वेल वाटर्ड डी स्टार्च लेकिन वेरीगेटेड पॉटेड प्लांट आपको चाहिए, ठीक है। वेरीगेटेड क्यों चाहिए अब हम उसे देखते हैं। तो वेरीगेटेड लीफ जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ग्रीन और वाइट दोनों होता है इसमें, ठीक है। सपोज ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लीफ आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब आप इसको देखो तो इसके अंदर आप लोगों को ग्रीन पोर्शन भी दिख रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को वाइट पोर्शन भी दिख रहे हैं। ये ऑल द एक प्लास्टिक प्लांट है, लेकिन अब इसके अंदर आप लोग देख रहे हो जो ग्रीन पोर्शन होगा इसका मतलब है इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल इज ग्रीन। लेकिन जो वाइट पोर्शन है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन इस लीफ में तो प्लास्टिक है सारी, ये फेक लीव है। हम लोग आप लोग अगर ने असली कोई लीव देखना तो आप लोग अपने लॉन में देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रीन लीफ है उसका ये पार्ट ग्रीन है, बाकी पार्ट वाइट है। अब इससे इंडिकेशन क्या मिलती है कि जो हमारा ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट का मतलब है कि ग्रीन यानी कंटेनिंग क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, जबकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं क्योंकि ये वाइट है, ठीक है। तो नो क्लोरोफिल अनक्लोरोफिल, इन दोनों को हम लोगों ने क्या प्रोवाइड की, लाइट प्रोवाइड की। अब 8 घंटे तक इन दोनों को लाइट प्रोवाइड करते रहे। अब खुद वीडियो को आप पॉज करके सोचें कि क्या वाइट पोर्शन में स्टार्च बनेगी या ग्रीन पोर्शन में स्टार्च बनेगी। हालांकि सारे फैक्टर्स इन दोनों को मिल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी, लाइट भी मिल रही थी, वाटर भी मिल रहा था, दोनों को डी स्टार्च किया, लेकिन बताएं किसके अंदर एक्चुअल में स्टार्च मतलब फॉर्म होगी। तो वो किस में फॉर्म होगी, ग्रीन साइड में फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल था, ठीक है। तो आप लोग अब टेस्ट कैसे करोगे, वही स्टार्च टेस्ट करेंगे। व्हाइट एरिया के अंदर आप लोग क्या देखोगे, व्हाइट एरिया जो है इट स्टेन्स ब्राउन। ये क्या स्टेन कर देगा, ब्राउन। क्यों स्टेन कर देगा ब्राउन, बिकॉज नो स्टार्च इज प्रेजेंट। लेकिन जब आप ग्रीन एरिया देखोगे तो ग्रीन एरिया विल स्टेन ब्लू। क्यों ब्लू ब्लैक स्टेन करेगा, क्योंकि स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो क्लोरोफिल है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस क्लोरोफिल से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है ये सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बच्चे इसके ऊपर बेशुमार MCQs आ चुके हैं, ठीक है। ये ATP और थ्योरी वाइज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस रिस्पेक्टिव पेपर के लिए तैयार भी कर सको। ये जो क्लोरोफिल वाला एक्सपेरिमेंट है इस पर बेतहाशा MCQs आ चुके हैं कि आपको लीव्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बताएं यहाँ पे स्टार्च है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या नहीं था। यानी मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ एंगल से सेम बात ही आपसे पूछी जाएगी, तो ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने माइंड में रखना। तो हम लोगों ने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने देख लिया कि लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने देख लिया कि क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर हमने साइड में कुछ साथ वाले प्रोसेस भी देखे, जैसे डी स्टार्च कैसे करते हैं, हम लोगों ने देख लिया कि स्टार्च टेस्ट कैसे होता है। ये 5 चीजें हम लोगों ने इन कुछ पार्ट्स में देख लिए, ठीक है। तो वाटर से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि वाटर से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक फिर फैक्टर में आपको वाटर को एब्सेंट रखना पड़ेगा, और ये इम्पॉसिबल है कि आप वाटर को एब्सेंट रखो, क्योंकि उससे प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो यही 3 चीज़ हम टेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियोस के पार्ट्स होंगे उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हम लोग इस चैप्टर के जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम वो देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये 3 पार्ट्स अब हमारे रहते हैं, तो इंशाल्लाह न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है बच्चे, इसको आप वीडियोस को बार बार प्ले करो, बार बार इसको समझो, अच्छे तरीके से दिमाग में इसको बिठाएं, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे।